गूगल मैप्स कितना वाइब्रेंट सा हो गया ना, एकदम ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स से आगे नए अपडेट के बाद, बट प्रॉब्लम अभी भी यही। और रोड का नाम पता है क्या है यहाँ पे? चेन्नई दिल्ली हाईवे एक्सप्रेसवे। ये देखो बीजेपी की रैली चल रही है, खूब पटाखे वगैरह, बढ़िया आतिशबाजी चल रही है। मैं ऑलमोस्ट हाफ टैंक के आसपास पहुंच चुका हूँ। मैं मतलब शायद गाड़ी भी उस समय ना उदास बैठी थी कि यार कहीं लेके ही नहीं जा रहा, कहीं लेके ही नहीं। होटल ढूंढने में इतने कष्ट हैं तो ताजमहल ढूंढने में तो पता नहीं नानी याद आ जाएगी। समझिए, हेलो हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। बड़े दिनों बाद कोई ऐसा व्लॉग कर रहा हूँ जहाँ पे हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, जहाँ डिस्टेंस नहीं है। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको पता ही है थंबनेल देख के। लास्ट वीकेंड से यहाँ जाने का मैं प्लान कर रहा हूँ, बट मौसम की वजह से या किसी पर्टिकुलर रीजन से जा ही नहीं रहा। आज भी मौसम ऐसा ही है तो सिर्फ बारिश का, बट आप जब बाहर निकलोगे ना इतनी उमस होती है, जो कपड़े पहने हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके गीले हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता नहा के निकले हो या उसके बाद आपके पसीने आ रहे हैं या क्या। सोचिए टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:12 एंड जो हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से, अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि आगरा में एग्जैक्टली कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आइडियली मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जैसे निकलता हूँ तो वो एक होटल सर्च कर लेता हूँ, वहाँ जाके मैं उसकी बुकिंग करके वो डेस्टिनेशन में डालता हूँ। इस बार तो वो भी नहीं किया, इस बार तो ये है कि सिर्फ आगरा डाल दिया। वो आगरा के कौन से सेंटर में ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, उसका भी आइडिया नहीं। डिस्टेंस है यहाँ से 194 किलोमीटर एंड अराइवल दिखा रहा है लगभग 2:29 का। सामने तो पता नहीं शायद किसी की लड़ाई चल रही है, टोल पे अक्सर यही होता है। एक तो इन्होंने ना आधी लेन्स बंद कर देते हैं, उसके बाद जितनी चालू है वहां पे इंसान कोशिश करता है जल्दी निकलने के लिए, वो जल्दी हमेशा लेट हो जाती है किसी ना किसी रीजन से। सोना रोड से बेनिफिट तो बहुत हुआ है कि रास्ता हमारा सही हो गया, आना आना सही हो गया। ये जो एक्सटेंशन रोड, ये जो दिल्ली मुंबई वाला बनाया हुआ है, ये नहीं पता मेरे को आगरा के लिए कौन सा रोड जाएगा, बट अभी तक तो यही है कि सोना रोड पे मैं चढ़ गया। ऐसे जिंदगी कुछ ट्रिप्स होते हैं ना कि बचपन में स्कूल डेज में हमेशा हमेशा हमें ले जाया गया है, कि जैसे हर कोई गया होगा कुतुब मीनार, हर कोई गया होगा पंजाब में उधर अमृतसर वगैरह, हर कोई गया होगा ताजमहल वगैरह देखने। तो ये ट्रिप भी ऐसा है कि मैंने ताजमहल देखना और आगरा जाना किया था बचपन में स्कूल डेज में, स्कूल ट्रिप से जब गए थे, उसके बाद से आज अब जा रहे हैं। एक बार ये टोल पार करते हैं फिर है। जितनी बार भी मैं यहाँ आता हूँ ना पूरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मतलब जैसे ये बिल्डिंग है साइड में, राइट साइड में, या ये रोड, 4 साल अगर आपने एक ही जगह बताया है ना तो आपको हमेशा वो ही गूज़बम्प्स देते हैं कि यार पता नहीं हमने ये चीज़ें करी है, ये एक्टिविटी करी है इस रोड पे। ये एलिवेटेड वगैरह कुछ भी नहीं होती थी, नीचे से एक रोड जाती थी नॉर्मल, एंड थोड़ा सा एक बिजी लेन होती थी, बिजी ट्रैफिक होता था। तो हमें ये था कि जैसे घर से आना, तो मेरा फ्रेंड था यहीं सोना रोड पे रहता है, उसके घर पे जाना, उसके बाद फिर वहाँ से उसके पास वैगनर होती थी, देन फिर कॉलेज जाते थे। ये होता था कि सुबह ना 9-10 बजे, अब तो टाइम भी याद नहीं कि कॉलेज का कितने बजे का था, बट जैसे 10 बजे का था मान लो, तो उतने बजे हमारा सबमिशन होता था कि यार हमें वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हमारे असाइनमेंट होते हैं वो वहाँ पे सबमिट करने होते थे टाइमली। अगर वो डिले हुआ तो फिर आपका डिले हो गया, फिर वो लेट लगेगा, वो सब लगेगी, वो सारी चीज़ें होती थी। और अब जब जब ट्रैवल करते हैं मतलब सारी चीज़ें ना जैसे बदल सी गई है, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, अलग सा लगता है, बट वो है कि पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं, वो वाली वाइब्स भी वापस दोबारा ताज़ा हो जाती है। मैप्स कितना वाइब्रेंट सा हो गया ना, एकदम ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स से आगे नए अपडेट के बाद, बट प्रॉब्लम अभी भी यही है। ये रास्ता जो दिखा रहा है ना, देखो वहां से दिखाता है यू टर्न लेके आओ, जबकि यहाँ से राइट भी ले सकते हैं, जाना सिर्फ वहां पे। पहले तो इसको फॉलो करते करते मैं चला गया, फिर मैं देख रहा हूँ ये यू टर्न क्यों दिखा रहा है वहां से। अब थोड़ा बहुत कॉमन सेंस इंसान यूज ना करे ना, बिल्कुल इस पर डिपेंडेंट हो जाए, फिर तो इसने पहुंचा दिया। इस रास्ते से भी मैं पहली बार जा रहा हूँ, 2-3 होटल्स वगैरह भी चेक कर लिया। बेनिफिट बहुत होता है ऐसे रोड्स पे, ऐसे हाईवेज पे आने का, जब आप 120 की स्पीड लिमिट है आराम से क्रूज कर सकते हो, तो आपको टाइम मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, देख लो अच्छे से नेगोशिएट कर लो। कुछ फ़ायदा इसका भी होता है कि जैसे कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो कुछ होटल्स जो अच्छे वो होते हैं प्रीमियम होते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है, फ़ायदा तो होता ही है।
यहाँ से डिस्टेंस हमारा रह गया 96 किलोमीटर, बट मेन चीज है कि ट्रैफिक की वजह से ना टाइम बहुत लग रहा है। टाइम दिखा रहा है कितना, ऑलमोस्ट 1 घंटा 46 मिनट। और रोड का नाम पता है क्या है यहाँ पे? चेन्नई दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस वे, नहीं हाँ दिल्ली चेन्नई हाईवे, ऐसा कुछ नाम आया था। कुल मिला के मैं भी देख रहा हूँ मैं कहीं कहाँ आ गए गलती से, क्योंकि मैं फ़ोन में वो देख रहा था कि ऐसे ऐसे कुछ कि कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं उस तरीके से। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आगरा क्या इक्वल टू क्या, आगरा में आप क्या देखना चाहोगे, तो एक ही चीज़ आप कहोगे पागल खाना तो शिफ्ट हो गया। क्या बोला तूने? अब आगरा में वैसे देखने के लिए ताजमहल ही तो आता है उस हिसाब से। तो ताजमहल के अलावा मेरे को खुद को नहीं पता कि वहाँ पे देखने को क्या है क्या नहीं है। वैसे उस हिसाब से आया था कि ठीक है एक ड्राइव हो जाएगी। एंड ताजमहल तो पता है कि वो बचपन में देखा था, बहुत टाइम पहले देखा था, अभी भी वैसा है कि नहीं है वो देखना है, बाकी तो जाके पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं। हाँ ये चीज है, पागल खाना शिफ्ट हो गया वहाँ पे। वहां से शिफ्ट हो गया। यहाँ से लेफ्ट साइड को जो रास्ता जा रहा है वो चला जाएगा मथुरा सिटी, उधर गोवर्धन, और हम जहाँ जा रहे हैं स्ट्रेट दैट इज आगरा। पूरा रास्ता ऐसा ही है, मतलब स्टार्टिंग में जो एक्सप्रेस वे आया था वो आया था दैट इज इट। उसके बाद आपको पूरे रास्ते पे ऐसे रनिंग ट्रैफिक ही मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे किलोमीटर ज़्यादा नहीं है बट टाइम ज़्यादा लग रहा है। मौसम भी ऐसा ही है, कभी धूप आ रही है कभी थोड़ा अच्छा सा हो जाता है, बट ये है कि वहाँ जाने पे, क्योंकि जब बाहर जाके उतर के वो सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है ना, उस समय धूप ना हो, क्योंकि उस समय की धूप ना फिर वो सारा मज़ा किरकिरा कर देती है। बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो उधर आगे जो बादल हैं बरस जाए थोड़ी देर के लिए ऐसे ही। ये देखो बीजेपी की रैली चल रही है, खूब पटाखे वगैरह, बढ़िया आतिशबाजी चल रही है। हो क्यों रही है इसका आइडिया नहीं है, बट बढ़िया पूरा उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। देखो जबरदस्ती की ना जिद बहस करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। 5 मिनट हो गए इसको यहाँ पे जब से खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या चाहता है। सो कुल मिला के 2 होटल्स मैंने चेक करे थे, 2 में से 2 ही अच्छे थे। पहले एक को बुक किया, दूसरे वाले को मैंने जो प्राइस पिच किया मैंने वैसे ही कर दिया। मैंने कहा ठीक है होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वेल एंड गुड, एक तो ऑलरेडी है वो हो गया। तो मैंने कहा ठीक है एक बार मैं आ जाता हूँ देख लेता हूँ, क्योंकि क्या है ना इंसान का लालच ही खत्म नहीं होता, बोलो ये मिल गया ठीक है और से थोड़ा और से। So, यहाँ से वहाँ की डेस्टिनेशन लगा रखी है, अभी भी मेरे को यहाँ से दिखा रहा है 43 किलोमीटर्स एन अराइवल 243। जनाब चले गए, मेहरबानी इनकी। अच्छा खासा फास्टैग लगा हुआ है फास्ट ट्रैवल के लिए, बट कुछ लोग हैं जो आपको अलग एक्सपीरियंस देते रहेंगे। अभी जैसे मैंने लगभग 50,000 किलोमीटर के आसपास इसकी सर्विस कराई थी ना, तो इसमें अभी कितनी चल गई है, कितनी है 50,700। मतलब कुल मिला के इस बार ज़्यादा किलोमीटर्स हमने चलाए ही नहीं, और एवरेज इससे पहले जो दिखा रही थी ना ये पूरा फुल टैंक में कितनी चलती थी, 600 किलोमीटर के आसपास। एंड अभी देखो इतना होने के बाद भी 700 किलोमीटर दिखा रहा है, ऑलमोस्ट हाफ टैंक के आसपास पहुँच चुका हूँ मैं। मतलब शायद गाड़ी भी उस समय ना उदास बैठी थी कि यार कहीं लेके ही नहीं जा रहा, कहीं लेके ही नहीं जा रहा, और अब देखो प्रॉपर मजा, मेरे को मजा आ रहा है इसको ऐसे देख के। और इसको भी अगर ये बोलती होती तो ऐसे ही बोलती कि अब आया ना मजा, बोलो इतने टाइम से कहीं जा ही नहीं रहे थे। बहुत सही, मतलब लास्ट टू लास्ट वीकेंड्स वगैरह इस तरीके से ऐसे जा रहे थे। मेन बीच में क्या हो गया था, सिस्टर को डेंगू हो गया था, तो वो इतना वैसे तो चलो ठीक है कि किसी को ना हो वो वाली बात है, बट उसको ना बहुत वैसे लाइटली लेते हैं कि यार डेंगू ही तो है, ये है वो है, बट वो भी कितना वैसा होता है, सीवियर होता है ना वो सिचुएशन जिसके साथ होती है। वैसे तो किसी के साथ भी ना हो बट उसी समय पता चलता है। खैर कुल मिला के अभी इतना सही मौसम है, मैं बस यही चाह रहा हूँ कि ऐसा ही रहे
और शांति से पहुंच जाए। मैंने वो तो देखा कि वहां पे क्या होता है कि ना, ताजमहल को आप नाइट व्यू में भी देख सकते हो, बट वो पॉसिबल पर्टिकुलर डेज में ही होता है ऑफ द मंथ, मतलब मंथ्स में शायद एक या दो दिन ही आप उसको देख सकते हो, फुल मून नाइट से पहले या ऐसा कुछ है, उसका आइडिया नहीं। थोड़ा एक बार होटल जाके, जिन मैम से मेरी अभी बात हो रही है, उनसे पूछूंगा अगर वो कुछ एडवाइस कर दें फॉर द लोकल प्लेसेस टू विजिट। होटल है तो अच्छा, बट वो लेके जा रहा है ऐसी गलियों से, या तो मैं ही कोई गलत फहमी में गूगल मैप्स को फॉलो करते आ गया, या फिर एक्चुअल में ही रास्ता ये है। देखते हैं, जाने में पता चलेगा। अब कुछ कुछ देखने में अपने जैसा दिख रहा ना, जैसे दिल्ली गुड़गांव में, मतलब इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, पूरे रास्ते ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ट्रैफिक ट्रैफिक, टू व्हीलर्स इतने सारे कि कम्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है। और मैं रास्ते में वही देखता आ रहा था कि ताजमहल जाने का रास्ता भी यही है। मैंने कहा यार शिट, इतने ट्रैफिक में तो जाना महाभारत हो जाएगी। अभी तक तो मैं होटल ही नहीं पहुंचा, सिर्फ थोड़ा बहुत रास्ता वैसा सा दिखा। मैंने कहा मॉल रोड है, ये भी खाली है, इससे पहले का जितना था बहुत ट्रैफिक। पता नहीं, या तो गूगल मैप्स में से कोई दुश्मनी निकाल रहा है, या सही में अगर ये रास्ता है और इतना ट्रैफिक है, भगवान बचाए। होटल ढूंढने में इतने कष्ट हैं, तो ताजमहल ढूंढने में तो पता नहीं नानी याद आ जाएगी। ऑलमोस्ट यहीं कहीं दिखा रहा है, पहले भी आया था लेफ्ट दिखा रहा था, वो भी रास्ता बंद था। अभी जैसे यहाँ से भी लेफ्ट दिखा रहा है, बस वो खुला है। सो दिस इज अवर होटल, एक बार अंदर चलते हैं, देन विल सी। लॉबी कितनी सही सी है ना, अभी रूम ही नहीं पता मेरे को, रूम कहाँ पे है, इतनी सुनसान है, शांति सी जगह आ रही है। सो जी, ये है हमारा रूम, मतलब मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हाँ है अच्छा। ये वॉशरूम नीट एंड क्लीन, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या कम क्या नहीं होगा। मेन है मिरर्स बहुत सही से है, फुल लेंथ मिरर्स जो होते हैं ना, उस पर आउटलुक सही आता है, मस्त है। सो मतलब छोटा सा रूम है, एक डबल बेड के साथ, बट ओवरव्यू देखिए ना, मतलब बहुत सही है। प्लस साथ में पूल साइड में हम कुछ कह रही थी, ऐसा कुछ वो व्यू के साथ है, ये भी अच्छा है। सो जी, ये वाली वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, इसलिए इसको कट ऑफ करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड अब थोड़ी देर, 10-15 मिनट बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ आगरा घूमने के लिए। जो मेरे को आइडिया है, जो मेरे को पता है, दैट इज़ ओनली अबाउट ताजमहल। उसके अलावा जो चीज़ें होंगी देखने को, लेट्स सी अबाउट दैट। सबसे पहले डिनर करेंगे, सबसे पहले सॉरी लंच करेंगे, उसके बाद आई विल सी यू देयर। वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।